नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिट एंड फाइन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जुड़वा बच्चे क्यों होते हैं। ये सवाल अक्सर गर्भवती महिला के मन में होता है। आखिर क्यों किसी गर्भवती महिला को दो या तीन बच्चे एक साथ हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स, आज हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। पहला आइडेंटिकल ट्विन्स और दूसरा फिटर्नल ट्विन्स। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे पहले आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में। ऐसा तब होता है जब एक एग एक स्पंज से फर्टिलाइज होता है और उसके बाद तो एग दो या दो से ज़्यादा भागों में बट जाता है। इससे बहुत ही रेयर माना जाता है। चेहरा और लिंग दोनों ही मिलता जुलता होता है। दूसरा है फेटर्नल ट्विन्स, यानी कि अलग अलग एग से पैदा होने वाले बच्चे फेटर्नल ट्विन्स कहलाते हैं। ऐसा तब होता है जब दो या दो से अधिक एग अलग स्पंज से फर्टिलाइज होते हैं। यदि महिला के परिवार में पहले से ही फेटर्नल ट्विन्स हैं तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। अधिकांश ट्विन्स एक जैसे ही दिखते हैं और अलग अलग भी दिख सकते हैं। आइए जानते हैं क्यों होते हैं जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे होने के कई कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम 5 से 6 प्रमुख कारण बताएंगे जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, पहला कारण है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स। जो महिलाएं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की सहायता लेती हैं या फर्टिलिटी दवाएँ खाती हैं तो उन महिलाओं में ट्विन्स होने की संभावना बढ़ जाती है। IVF में चांस बढ़ने के यूट्रेस में एक से ज़्यादा फर्टिलाइज एग ज़्यादा रखे जाते हैं, वही फर्टिलिटी दवाओं से भी ज़्यादा एग बनते हैं। दूसरा कारण है फैमिली हिस्ट्री। महिला के परिवार में पहले से ही ट्विन्स हैं तो इनमें भी ट्विन्स होने की संभावना बढ़ जाती है। महिला एग प्रोड्यूसर होती हैं, इसलिए उनके जीन्स ट्रांसफर होते हैं। अगला कारण है लाइफ स्टाइल। नॉन वेज या हाई फैट या मोटापा से ग्रस्त महिलाओं में ट्विन्स होने के चांस ज़्यादा होते हैं। हाई फैट डाइट लेने वाली महिलाओं में हार्मोनल चेंजिंग के कारण भी ऐसा होता है। अगला कारण है बच्चों की संख्या। जिन्हें पहले से ज़्यादा बच्चे हैं उनमें मल्टीपल ज़्यादा बच्चे होने के चांस बढ़ जाते हैं। महिला में एक प्रोड्यूस करने की क्षमता बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। फ्रेंड्स, अगला कारण है प्लेस। दुनिया के दूसरे हिस्सों के मुकाबले वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में जुड़वा बच्चे होने के मामले ज़्यादा सामने आते हैं। इसके पीछे इन इलाके के क्लाइमेक्स एंड फूड हैबिट्स जिम्मेदार माना जाता है। फ्रेंड्स, जुड़वा बच्चे के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो कि इस प्रकार हैं। जुड़वा बच्चा पैदा करने वाली महिला सामान्य महिला से ज़्यादा जीती है, ऐसा यूटा यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में कहा गया। साथ ही डेयरी प्रोडक्ट खाने वाली महिला में जुड़वा बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा यूटा यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में कहा गया है। साथ ही डेयरी प्रोडक्ट खाने वाली महिला में भी जुड़वा बच्चे होने की संभावना 5 गुना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।